हेड सिटलाई से थोड़ा सा दूर है और ये हेड सिटलाई से पहले नहर आती है जो हेड सिटलाई से होकर पुल बागड़ जाती है। और ये नहर मेलसी को जा रही है वो है हेड सिटलाई। छोटे व्लॉगर अपने व्यूवर से कहो तुम्हारा चैनल तो सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सबक सुनाइंदा भी आऊं थोड़ा जे सही तरह बोले या कार है सबक ना सुनाया कार है साडे तक के रिवाज कोई नहीं सबक याद करन दा। प्रॉपर बंद किया हुआ है फ्रेंड्स। अभी हम खड़े हैं सिग्नल ब्रिज पे और इस तरफ वो अब्दुल्लाकिन शहर है और उस तरफ को है फैसलाबाद। और इस ब्रिज की ये खास बात है कि ये जिला खानेवाल को और टोबा टैक्स इनको अलग-अलग करते हैं। पुल के इस तरह कहना है पुल के इस पार जिला खानेवाल है और पुल के उस पार जिला टोबा टेक सिंह है। इधर डिवीजन मुल्तान है उधर डिवीजन फैसलाबाद है। हाँ लेकिन अब बहुत अच्छा जवाब ने कह दिया वो काफ़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दरिया का नज़ारा है और यहाँ पे बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है। हाँ राघव तुम्हारी उम्र की बच्चियां भी फिर रही हैं। सेट करा दे वो कोई शादी क्यों तू लड़की है शादी नहीं करने तो लड़के शादी नहीं करते। मैं तो चार चार करनी है तू आना एक भी नहीं करनी तो है। आख मैं बड़े होकर चार शादियां करूंगा अल्लाह पाक ने चार शादियों की इजाजत दी है। ये तो मैं मुझे कहना होगा नहीं नहीं आख चार नहीं तेरा भाई नहीं मैं तो आठ दी इजाजत होवे मैं आठवीं खड़का लेनी है। आ जाओ तो पूरा हेड सिट नहीं दिखा दिया पर एक पॉइंट है जो आपको दिखाना रह गया वो बंद पड़ा है लेकिन एक चोर रास्ता है उससे जाने की कोशिश करते हैं। और वो चोर रास्ता बताया किसने है तराब भाई ने। हाँ। तराब भाई क्यों कैसी है चोर तराब भाई। हाँ। इसके चलाओ मोटरसाइकिल ओए लॉक लग गए है हैंडल लॉक तो खोल ला पहले। खुल गई है
स्टार्ट करो। हाँ कर स्टार्ट, होता तो कर ला, केक की नहीं खुलती पी तेरे को वाला तो बंदे है इतना मुश्किल। हाँ चलाओगे? चलाऊं? आप चलाओ। अच्छा बैठो। फ्रेंड्स ये छोटी सी नहर है जिसकी स्पीड अभी कम हो चुकी है, लेकिन बहुत अरसा पहले इसकी स्पीड बहुत तेज थी और हमारे चाचू इसमें गिर गए थे, बहुत मुश्किल से बचे थे, जंग से आए थे। तुम्हें भी गिरा दूँ? ना तैर के तो चेक करो ज्यादा आगे साइड से। मार ला चाल। तो मरावना में तो कलू रहा कि बजदा भी है। वापस चल। फ्रेंड्स ये है वो चोर रास्ता जहाँ से हम पिकनिक पॉइंट पे जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट वालों ने बंद किया हुआ था ईद की वजह से, लेकिन उसके बाद खोला ही नहीं है। खैर हमारे पास तो एक चोर रास्ता है तो वहाँ से हम जा रहे हैं। ये मेरे साथ छोटे भी लोग हैं, इसको दिल खोल कर सपोर्ट करें, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पिकनिक पॉइंट जिसको हुकूमत ने बंद किया हुआ है, दोनों साइड से बहुत अच्छा नज़ारा है और ये बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है। तो गाइस ये है मेरे बड़े कजन, इनका भी चैनल है, इनके चैनल का आपको लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा और इनके चैनल को जाके सपोर्ट कीजिए। इस छोटे ब्लॉगर का चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको ब्लॉग शेयर करें ताकि ये अप्रिशिएट और मज़ीद अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सके। अभी ये थोड़ा सा शर्माता है, पब्लिक में सही नहीं ब्लॉगिंग कर पाता और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये सही बनाएगा। आप सब इसको सपोर्ट करें। और हम दरिया के किनारे बैठे हैं और बहुत अच्छा मंजर है, दोनों साइडों पर दरिया है। तो मुझे एक शेर याद आया जोन जी साहब का, वो फरमाते हैं कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊँगा, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। आपको एक और शेर सुनाना पसंद करूँगा। हमने दरियाओं से सीखा है, हमने दरियाओं से सीखा है अपनी ही मौज में रहना चुप रहना। अब हम अपने व्लॉग का इंतजाम करते हैं, छोटे व्लॉगर आप काम करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।